हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मॉर्निंग के बज चुके हैं 7 और सूर्यदेव काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज कुछ खास तो नहीं है, पर मैंने सोचा आपके लिए क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग बना दिया जाए आपके मनोरंजन के लिए। तो थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ मैं सी का आज कैसा है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं किस तरीके का व्यू है आज का। तो कुछ ऐसा व्यू नजर आता है, आप देख रहे होंगे पीछे मोटे मोटे बादल निकले हुए हैं आसमान में, जो काफी खूबसूरत व्यू बनाते हैं, एक आकर्षित व्यू बनता है जिससे बार बार देखने का मन करता है। क्योंकि आपको, आप लोगों को भी पता है, रियल में जो होता है वो कैमरे में नहीं आ पाता, बट कभी कभी रियल में अच्छा नहीं होता, कैमरे में अच्छा आ जाता है। पर यहाँ वास्तव में बहुत अच्छा व्यू बना हुआ है, मॉर्निंग का देखने लायक है। आप देख रहे होंगे पीछे ये जो बादल निकलते हैं ना, मोटे मोटे और बहुत नीचे होते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इनको देखने का एक अलग ही मज़ा आता है। आप भी देख रहे होंगे काफ़ी ज़बरदस्त व्यू बनता है एक। तो जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को नहीं किया है लाइक, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो नए जुड़े हैं मेरी वीडियो के साथ, प्लीज़ वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और घंटे वाला बटन दबाना ना भूलें, और ऑल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज का ब्लॉग किस तरीके का बनता है। छोटा है, बड़ा नहीं है, पर आपको फुल एंजॉय। हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को मेरा सुप्रभात। दोस्तों बने रहिए वीडियो पर, और सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा राम राम। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो सुबह प्रातःकाल का एक बड़ा ही सुंदर दृश्य बना हुआ है, आप देख रहे होंगे मोटे मोटे बादल निकले हुए हैं और काफ़ी नीचे हैं ये बादल, और इन बादलों के पीछे सूर्यदेव छिपे हुए हैं, और समुद्र पे जो है परछाई बादलों की गिरती है। एक अद्भुत दृश्य, एक अकल्पनीय दृश्य बनता है दोस्तों, जो काफ़ी खूबसूरत है, जिसको मैं अपने शब्दों में प्रोकर आप लोगों को नहीं बता सकता, पर एक अद्भुत दृश्य बनता है। ऐसा दृश्य आप भी ज़रूर देखना चाहेंगे, क्योंकि समुद्र में हवा भी बिल्कुल शुद्ध होती है, और जो भी व्यू बनता है वो बिल्कुल प्राकृतिक होता है, कोई काल्पनिक व्यू यहाँ पर नहीं दिखता। सिर्फ पानी के जहाज़ को छोड़कर, ये तो एक बनाया हुआ है, आदमी द्वारा निर्मित है। इस शिप को छोड़कर यहाँ पर जो कुछ भी दिखता है वो सब प्राकृतिक है, और प्राकृतिक की खूबसूरती आप शब्दों में पिरोकर किसी से बयान नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसलिए एक अद्भुत दृश्य यहाँ निकल कर आता है प्रातःकाल का, एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। आप देख रहे होंगे ये मोटे मोटे बादल, और बादलों के पीछे सूर्यदेव। ऐसा होता है ना, जैसे कहीं किसी जगह या किसी दरवाजे के पीछे कोई छुपकर झांक कर देख रहा हो, थोड़ा थोड़ा मुंह निकालता है बाहर की ओर, इस तरीके से कुछ सूर्यदेव का दृश्य बना हुआ है। बादलों के पीछे छुपे हुए हैं, कभी कभी झांक कर देखते हैं नीचे की ओर, मतलब कुछ ऐसा प्रतीत होता है, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। सदियों से हवाएं चलती रहीं, सदियों से मौसम बदलते रहे, बहकर भी जो ना बदला उसे कहते हैं समुंदर। मुश्किलें आती रहीं, इंसान झुकते रहे, मुश्किलें आती रहीं, इंसान झुकते रहे, हजार दुखों में भी जिसने मंजिल को ना बदला उसे कहते हैं इंसान का मुकद्दर। तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा मॉर्निंग का व्यू, कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी तक जिन दोस्तों ने नहीं किया है वीडियो को लाइक, वो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो नए जुड़े हैं मेरी वीडियो के साथ,
वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं, घंटी वाला साइड में आपको बटन दिख रहा होगा उसको दबाना ना भूलें, और एक ऑप्शन निकल कर आएगा उसमें जो सबसे ऊपर ऑल पर कर दीजिए क्लिक। उससे होता यह है मैं जब भी अपनी वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुँच जाएगा, तो आपको वीडियो देखने में आसानी रहती है और पता चल जाता है कब मैंने वीडियो को YouTube पर अपलोड किया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नई रोचक कहानियों के साथ। तब तक आप वीडियो पर बने रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए। आप सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा राम राम।